तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को मर्ज करने के लिए हेज बनाते हैं तो हम वो कैसे बनाते हैं। तो हमारे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के जो हार्श एजेस हैं उनको स्मूथ करने के लिए हम लोगों को अपने ब्रश को सॉफ्ट कर लेना है और फ्लो को 10-30% के बीच में रखें और एक नई लेयर पर एक फोरग्राउंड से ही एक अच्छा ब्राइट कलर सिलेक्ट करके जो आपके स्मोक का या हेज का कलर रहेगा उसको पेंट करना है कुछ इस तरह से। ज़्यादा पेंट नहीं करना है स्टार्टिंग में, सिर्फ आपको एजेस स्मूथ करने हैं और कुछ नहीं। और जब एजेस स्मूथ हो जाएं उसके बाद अपने ब्रश को बड़ा कर लें, फ्लो थोड़ा और कम कर लें और उस स्मूथनेस को और ज़्यादा अच्छे से मर्ज कर दें ताकि वो स्मूथ लगे, ट्रांजिशन हार्श न लगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग हेज या स्मोक यूज़ करते हैं जब हमें पूरी इमेज से ध्यान हटाकर सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डालना होता है। तो ऐसे केस में आपको करना यह है, जो आपका बैकग्राउंड है और आपका जो फोरग्राउंड है उसके बीच का कोई सा कलर आपको पिक कर लेना है, और चाहें तो आप सॉफ्ट राउंड ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्मोक ब्रश या क्लाउड ब्रश, इस तरह का कोई ब्रश आपको मिल जाए। आपको वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर कोई भी एक ब्रश को इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उसकी ब्रश की सेटिंग्स में जाएं। अगर आपको ब्रश सेटिंग्स नहीं मिल रही हैं तो विंडो में जाकर ब्रश सेटिंग्स को वहाँ पे एनेबल कर लें। वहाँ जाने के बाद शेप डायनेमिक्स में जाकर अपने साइज जिटर को 100% के आसपास रख लें ताकि जब आप उस ब्रश से पेंट करें तो जो आपका स्मोक का जो टेक्सचर है, हेज का जो टेक्सचर है, उसका साइज ऑटोमेटिक हर क्लिक पे चेंज होता रहे ताकि वो थोड़ी नेचुरल फील आए, नहीं तो रिपीटेटिव सा लगेगा। स्टेप्स इसमें भी उतने ही हैं, सेम हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप जितना हो सके उतना धीमे काम करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लगे। आप अगर जल्दबाजी में करेंगे तो वो चीज़ नेचुरल नहीं लगेगी, थोड़ी सी नकली सी फेक सी दिखेगी। और अगर हो सके तो ये आप स्मोक या जो हेज है उसको आप स्टार्ट में भी, मतलब फोरग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के भी आगे, ताकि वो हल्की सी डेप्थ समझ में आए कि हमारी जो हेज है वो चारों तरफ फैली हुई है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हेज के बीचों बीच बैठा है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत वीडियो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जब हम हेज की मदद से एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, लगभग सारी चीज़ें सेम है, लेकिन जब हम नई लेयर पे हेज बना रहे हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कलर सिलेक्ट हो वो वाइट हो ताकि उसको हम बाद में अपने मन अनुसार कहीं भी कभी भी बदल सकें। अब एटमॉस्फेयर क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हेज और स्मोक क्रिएट करने से, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखानी होती हैं और आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे ये हेज रहेगी कहाँ पे नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा बहुत सारी रियल इमेजेस को, ताकि आपके दिमाग को एक मेमोरी मिले कि कहाँ पे कैसे हेज काम करती है, क्योंकि इसमें सारा खेल आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का है और वो डेप्थ का है, कौन सी चीज़ों पे आपको हेज का असर दिखाना है और कौन सी चीज़ों पर नहीं दिखाना है, और दिखाना है तो कितना दिखाना है, वो सारी चीज़ें आपको समय के साथ प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो इसके लिए आपको काफ़ी समय लगेगा सीखने में। उसके बाद जो आपने हेज की लेयर बनाई है उसमें आप कलर बैलेंस या फिर कर्व्स किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करें, उसमें क्लिप कर दें और अपने मन मुताबिक कलर देख लें कि आपकी इमेज में कौन सा कलर ज़्यादा सेट बैठ रहा है, क्योंकि आपके पास आज़ादी होती है कोई भी कलर सिलेक्ट करने की। जब हम ऑलरेडी कलर सिलेक्ट करके वहाँ करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये फ्रीडम नहीं होता है कि हम बाद में काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें बदल सकें।